अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पीक्स वंस अगेन, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। आई है, सुबह सुबह का मौसम है जी। आज मैं सुबह सुबह ही निकल आया हूँ व्लॉग करने, लेकिन आज हम जा रहे हैं जी सवात। ठीक है साबिरुल्ला, तेरे इलाके में जा रहे हैं, बड़ा देखते हैं कैसा इलाका है तेरा। ठीक है, कहता तो तू है बहुत प्यारा है, लेकिन ये तो जाके पता लगेगा ना। ठीक है, तो अभी हम मंगला से अभी भी निकले। ठीक है, कुछ सुबह क्या टाइम हुआ, 6 का टाइम है जी। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी कैसा सफ़र रहता है, खूबसूरत मज़ा आएगा जी। ठीक है, सुना तो बहुत है कि बहुत प्यारी जगह है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो आज यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी मारी है, खैर फ्राइडे को एक ही क्लास होती है। खैर इमरान की मैंने बड़ी लैबें ली हुई हैं, नहीं भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आखिरी महीने में तो इतना तो चलता है ना। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे भी क्या क्या किधर किधर जाना है हमने। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड। हम फर्स्ट टूर पे पहुंच चुके हैं फाइनली। दो ये चीजें नहीं बॉडी दे मुताजी हुसैनी अल्लाह ना दे हम सही अल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और तू को तेरी हम भुलान। लो जी, मेरे सामान नाश्ता कुछ आ गया और लेट आए हैं। सात पराठे की शुरू का हाल। ठीक है, नाश्ता भी इसमें खड़काते हैं फिर हमसे। नाश्ता पुछता कर लिया। ठीक है, तो अब कोई आगे की तरफ निकलते हैं। ठीक है, अभी तो दिल्ली दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। अच्छा, तो अभी यहाँ नाश्ता पूछता हमने कर लिया। ठीक है, दाल वूल तो मैंने कोई नहीं खाई, ऑमलेट ही खाया। तो अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे देखते हैं। अभी सफ़र लंबा है, अभी मुझे कार्ड वार्ड भी लेने हैं जैस के, तो ही मेरा पैकेज चलेगा। अभी मैं दूसरे पैकेज को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। जुम्मे हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है वहाँ आसम भाई, और कितने घंटे लग गए? साढ़े तीन घंटे जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो सफ़र अभी हमारा जारी हो रही है। ठीक है, सो जी ये देखें जी, इधर हमारा टायर पंचर हो गया। अभी गाड़ी का टायर वक्ती तौर पे ना पंचर हो गया। ठीक है, अभी वो सीधा भी दो टायर ठीक होगा। अच्छा हुआ जी मोटरवे पे चढ़ने से पहले पता लग गया, नहीं तो रोला बन जाता। A few minutes later. So, जी अभी हम पहुँच आए हैं, वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1। ये जी इस्लामाबाद पेशावर इंटरचेंज। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये जो टनल है ये सिर्फ एक साइड पे मौजूद है, जो दूसरी आने वाली साइड है उस तरफ नहीं है। ये देखिए ऐसे, यहाँ से सवात मोटरवे टनल टू। सो जी व्यूअर्स, फाइनली वेलकम टू सवात वैली, स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, वो इलाका जिसके बारे में क्वीन एलिजबेथ ने 1961 में जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो उन्होंने कहा था स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, यानी मशरक का स्विट्जरलैंड, वेस्ट का स्विट्जरलैंड, तो रियल वाला स्विट्जरलैंड तो हमारा ये। तो अब देखते हैं जी कितना हमें फैसिनेट करता है इलाका। मैं बड़ी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कोई अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको दिखाऊँ। तो स्टे ट्यून्ड। सो जी व्यूअर्स, हम थोड़ी देर रुके हैं पुलिस चेक पोस्ट से इधर, और ये देखें कितना प्यारा सा बनाया हुआ। और ये कौन सा ब्रिज है जी दरियाए सवात के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊँ। वो आगे से घड़ी आ गई थी यार, तो मैं अभी ज़रा नीचे की ओर चलता हूँ, यहाँ से आपको दरियाए सवात दिखा के लाते हैं यार। कितना प्यारा व्यू है जी, अभी हम वाइट पैलेस की तरफ जाए बढ़ रहे हैं। वेलकम टू मुर्गजार। माड़ी थोड़ी उर्दू ना फंसी जानी बात का। तो देखें मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है, बादल बादल की तरह पहाड़ों से टकरा रहे हैं। तो अभी जो हमारा पहला मकाम है वो वाइट पैलेस है, मैं इंतज़ार में हूँ उसके। प्लेस है जी वो है जी, मेक योर मोमेंट्स मेमोरेबल एट होटल वाइट पैलेस। करें जी वाइट पैलेस, ठीक है, सफ़ेद महल, सुपर सब सलाली परचम लगा हुआ है। ठीक है, ये सब डिफरेंट किस्म की पिक्स हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट किंग ऑफ सवात मियाँ अब्दुल वदूद, और ये एक हिस्टोरिकल, ये जनरल अयूब खान के साथ नवाबे दीप और वाली सवात मौजूद हैं। ठीक है, इस तरफ भी आएँ तो ये यहाँ के लोगों का जो एक तारीखी मंजर है वो बयान किया गया कि कौन कौन से यहाँ पे बादशाह गुजरे हैं। ठीक है, A few inches later. थोड़ी तेज है, लेकिन अभी हम पहाड़ों पे zigzag घूम रहे हैं। अभी बहुत ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं चले जाना, अभी बड़ी जिंदगी है, लेकिन पहाड़ ही ऊपर जाना है, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो अभी हम मालम जब्बा दाखिल तो हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा सफ़र थोड़ा सा रिमेनिंग है, जिधर हम जाना चाहते हैं वहाँ तक, वो ऊपर जी इन्होंने निशानी बताई है वहाँ तक जाना है। तो बिल्कुल गर्दन ऊपर करनी पड़ती है उधर तक देखने के लिए। तो भी यार काफ़ी सफ़र है, ये जो रोडे वूडे देख रहे हैं ना आप, ये जो ज़िगज़ैग घूम रही हैं,
ये वहाँ तक हमें लेके जाएंगी, तो इंशाल्लाह वहाँ चल के भी व्लॉग करते हैं। ऊपर बादल भी बिल्कुल करीब करीब फील होंगे, ठीक है। सो जी जो हम थोड़ा ऊपर हाइट पे आ गए, यहाँ मौसम भी है बहुत ज़्यादा ना बदलता जा रहा है, मौसम बहुत बेहतर होता जा रहा है। देखिए लोगों ने डिफरेंट कैफेटेरिया बनाए हुए हैं, छोटे छोटे चेहरे पूरे पहाड़ों पर लगाए हुए, और यहाँ मौसम भी बड़ा बेहतर है। तो बस जस्ट फ्यू मिनट्स की बात है, फिर हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। ऑफ रोड ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा स्पॉट आएगा? चश्मा, चश्मा जंगल और ट्राउट। चश्मा में तीन इधर इकट्ठे, ठीक है, ये तीन चीजें इधर इकट्ठी होंगी, चश्मा, फिश, ट्राउट फार्म। खान भाई की शायद आवाज आप लोगों को ना आ रही हो क्योंकि माइक उन्होंने नहीं लगाया हुआ, लेकिन अभी हम उसकी तरफ रवा दवाएं। देखें चश्मे के बिल्कुल दरमियान गणो, यहाँ से चश्मा नीचे जा रहा है, वो सामने हाइकिंग का ट्रैक है। और वो जो मेरा ड्राइवर था जो गाड़ी का, वो ये बता रहा था कि ये जो सामने दरख्त लगे हुए हैं ना, ये आपको मेरे बैकग्राउंड में भी नजर आ रहे होंगे, इनके एक दरख्त की कीमत 15-15 लाख तक है। तो ये इलाका एक सोने की चिड़िया है। देखें ये मैं पहाड़ों के दामन में खड़ा हो गए आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन ये सामने हाइकिंग ट्रैक जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम हिम्मत नहीं है भाई हाइकिंग वुकिंग करने की, ठीक है। तो थोड़ा और आगे चलता हूँ और आगे से आपको दिखाता हूँ आज। ठंडा 12 seconds later हम दुनिया के किस ब्यूटीफुल स्पॉट पे क्रिकेट खेल रही है यार, पर दिल करता है ना क्रिकेट खेलने का, मुझे भी एक आधी बॉल खिला देते तो क्या ही होता। अब जिंदगी हम बाकी सच्ची बात है, जिंदगी उस फेज में आ गई है जब हम गली में खेला करते थे ना, तो बड़े भाई आगे कहा करते थे कि यार बैट दे दे एक बॉल में भी, ये देखना है तेरी खैर यार, कैच पकड़, कैच पड़, कैच पड़, कैच पड़ यार, ए ओ यार छोड़ दिया यार इसने, ओए होए होए क्या छोड़ दिया इस यार, क्या कसम से दांत किस्म का फील्डर था वो, हैं। तो देखे कितना माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। तो जी मैं चढ़ गया हूँ गाड़ी के रूफ टॉप के ऊपर, ठीक है। तो यार अब ये और तेज चलाएगा, बड़ा थोड़ा आराम से चलो यार, ठीक है जी। देखे ओए होए होए कंटेंट के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है यार, ओए होए होए स्लिपरी वेन वेट, ठीक है। चलो यार थोड़ा एक मिनट स्लो करो, मैं नीचे आता हूँ। 2000 years later क्या जी लोग ऊपर कैसे स्काई डाइविंग कर रहे हैं, दिल तो मेरा भी है कंटेंट के लिए, तो आपको पता ना भाई आपका किसी भी हद तक जा सकते हैं। गैलरी है जी, फ्री जाओ जी, फ्री जाओ, फ्री जाओ, फ्री जाओ, कोई नहीं यार मैं साथ लाई हूँ फ्राइज, काश को मेरे साथ होता जो साथ बैठ जाता, मेरे साथ तो लड़के बैठने को तैयार नहीं है, लड़की किधर से बैठेगी यार कोई बड़े हालात का। तो फिर मैं अपना पार्टनर लाया हूँ ना ये फ्राइज, तो मैं फ्राइज खाता खाता जाऊँगा, ठीक है यार। देखो बैठने की वजह ये है कि इस चेयर लिफ्ट का वो देखे इफ्तिताह किसने किया, इफ्तिताह किया मेरे कायद इमरान खान ने, तो फिर तो बैठना बनता है ना इसलिए चेयर लिफ्ट में, खान साहब भी बैठ चुके हैं, ठीक है। तो आ जाए यार, अब ये खरामा खरामा चलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब मैं बैठ गया इधर, तो आप अभी समझे पहला स्टॉप है, तो ये इतना भी नहीं है यार, अल्लाह खैर करेगा इसका। कैसे हो? ठीक हो? YouTube पे हाय कर दो सबको, ठीक है। इसके पास तो आगे इतना शुरू हो गया यार, कोई बात नहीं यार, अब तो बस एक दो स्टॉप रह गए, इट्स ओके। अब मैं थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ यार, यस या आई एम ऑल राइट ऑलमोस्ट 99%।
यार देखो लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं है, बैठे हुए जैसे एक मैं हूँ जिसको डर लग रहा है। वो देखो मस्त मॉल हो गए, सिंगल बंदा बैठ के आ रहा है का यार कसम से आज मुझे अपने सिंगल होने का वाकई एहसास हो रहा है यार। अल्लाह जी बस जल्दी से खत्म करा दे मुझे, वो तो ऊपर पहुंचा दे, मैं वापस पैदल आ जाऊंगा वापसी पर तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है चलो यार अब थोड़ी रह गई है, ये इस तरफ देखें जी, अब सारा व्यूज चेक करें। ठीक है जरा सी स्लो होती है मुझे, पता नहीं क्यों नर्वसनेस हो जाती है। ठीक है लेकिन यार अभी मैं अपनी तरफ नहीं कैमरा कर सकता। ठीक है कैसे हो पिटो? तो देखें अब ये तकरीबन टॉप का व्यू है, तकरीबन टॉप का। ठीक है और लोग आ रहे हैं वापस। ठीक है तो इस तरफ से भी आप देखें, आप लोग बैक का व्यू देखें, मैं नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी। मैं घर जाके आराम से जब एडिटिंग करूंगा तब मैं बैक का व्यू देखूंगा, उससे पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बैक का व्यू देखा जाए। ठीक है A few moments later. 2 महीने बाद शादी है यार। अबू आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना ये इसका 2 महीने बाद हमारा शादी है। अगर इसकी शादी नहीं किया तो ये समंदर में अपने आप को डाल। नहीं यार हमारा उधर डैम है, मंगला डैम, तरबीला डैम नहीं, मंगला डैम, मंगला डैम। तो जी देखें वो नीचे है फ्रंटियर, ये इधर पीसी है। ठीक है और यहाँ से लिफ्टें वापस जा रही हैं। तो अब हमने यहाँ से ना, अब मैं आपको व्यूज पैदल दिखाऊंगा। ठीक है सो आ जाएं आप लोग, क्योंकि अभी मेरी चार्जिंग भी खत्म हो गई थी, डेट्स वाई मैंने अब पावर बैंक ऐड कर लिया है और माइक इस टाइम ऑफ कर दिया, तो काफ़ी काफ़ी खतरनाक जर्नी कर ली है मैंने। ठीक है हम यहाँ से अंडर हैकिंग ट्रैक से नीचे जा रहे हैं। ठीक है तो अभी ये देखें सामने यार ये व्यू है, धुंध सी पड़ती जा रही है, मुझे ठंड भी लग रही है, तो अभी शूज भी नहीं पहने हुए, जूतों में ही हाइकिंग चल रही है आज आपके भाई की। ठीक है A few moments later. इधर आए क्या ना होटल है ना, ही नहीं दिसना जी माड़ा जहा होटल मालूम जब भाई ना सिर। अच्छा जी हम इधर आए हैं कोई जगह का देखते हैं, फाइनली हमें रूम शूम मिल गया। ठीक है अब जाते हैं रूम में चीज़ें रखते हैं फ्रेश। ठीक है असा कड़े जुला असा भाई असा बुनी। ठीक है जी बड़ी सर्दी है जी, मैं कुटे होके बह गया चाह शाह का वेट कर रहे हैं, चाह ले फिर जा रही कुछ सही हो गई है। ठीक है तो कल देखते हैं क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है मेरे काम का काम भी हो गया, लेकिन चलो कोई जिस तरह का होता है इस तरह से काम होगा। चाय शाय पीते हैं फिर चलते हैं फिर ब्लॉग एडिट करते हैं। सो जी आ गया मैं अपने रूम में। ठीक है शुक्र है जी सारी चीज़ें पूरी हैं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ तो अब नहीं मैं कुछ भूलना चाहता। सो लेट्स गो जी, अब मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे। ठीक है वहाँ पे जाके अब बैग शूट रखते हैं। ठीक है ऑनेस्टली ये शहर का रिव्यू अच्छा ही है, होटल का रिव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं होटल अब लीव ऑफ करने लगा तो मैं अब इनकी थोड़ी पीटी करता हूँ ना यार, आप लोग की कोई लाइट का निज़ाम ही नहीं है, बार बार लाइट आ रही है, बार बार लाइट जा रही है, मजाक चल रहा है यार, इतना भी क्या हो गया, ये अच्छी चीज़ नहीं थी इस होटल की। ठीक है लेकिन फिर भी चलें, जितना भी है गुजारा चल ही गया है तो चलें। 3 weeks later. यार इस पंखे का बड़ा शुक्रिया यार, क्योंकि हमने पहले कोई आगे जाना था, डेट्स व्हाई मैंने थोड़े मोटा ड्रेस पहन लिया, लेकिन अब हमारा प्लान थोड़ा शिफ्ट हो गया, अब हम पेशावर की ओर जा रहे हैं। तो सवात टूर हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा आज। ठीक है तो सवात म्यूजियम ये लास्ट स्टॉप है। ठीक है तो ये देखें यादगार शहदा मालाकंड। ठीक है और जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा है, अपने अल्लाह के यहाँ रिजक दिए देते जाते हैं। ठीक है तो ये जो शहदा उनके नाम लिखे हुए, ये बहुत से शहदा, ये जो डिफरेंट शहदाए आर्मी FC, उसके बाद शहदाए मालकंड VN। ठीक है ये उनकी वल्दी है, शहादत की जगह और तारीख शहादत लिखी हुई है। देखिए ये जो पूरा KPK है, यहाँ के लोगों ने बहुत सी मुश्किलात देखी, यहाँ के लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत से कठिन वक्त देखे। ये आप देखें जब 9/11 का वाक़ हुआ, फिर जब उसके बाद देख ले, फिर उसके बाद रशियन वॉर के टाइम आप चले जाए, तब वहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे हिजरत करके आए, जितनी बड़ी हिजरत पूरी दुनिया में शायद ना हुई हो जितनी तब हुई। तो ये देखें यहाँ डिफरेंट इलाकों का यहाँ से फासला बताया गया, जिसमें बालाकंड 35 मील है, मदीन शांगला 35 मील, बशाम 7, पटन 88, बहरीन 40 और कलाम 62।
ठीक है, तो अब आप इधर से आगे की तरफ चलते हैं, म्यूजियम के अंदर आपको दिखाता हूँ। अभी इधर वादी सवात रेस्टोरेंट, इधर अब आगे ये लोग कहते हैं जी के अभी हमारा अंडे का टाइम खत्म हो गया है, यानी नाश्ते का टाइम खत्म हो गया, लेकिन यार कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आए, ये देखें, ये सामने इनका फैमिली हॉल है, ठीक है, और ये सामने मेल सेक्शन है, ये इनका मेकिंग एरिया है। ठीक है, ये देखे भी हमारा नाश्ता वुश्ता आ चुका है। ठीक है, A few moments later. So, जी हम वापसी की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्यों कॉलेज बंद है? कॉलेज बंद है, ऐसा ना कॉलेज खुले अभी हो गया, ऐसा 10 बजे वैसे ही आंकड़े बंद हो गया, उड़ के रह जुलो। नहीं मैं है, छोड़ो जी थकी गया, दो गिलासा ले दे। A few minutes later. अलैकुम, कैसे हो? हमारा प्लेटर आ गया, उससे पता नहीं क्या क्या शायद एक मिनट की बात इच्छी हो सी थी खाने के बाद, यार मिनट भी दे। 3 days later. लेकिन आप मेरे हाथों में जो जरा देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में हर बच्चे ने अपने हाथ में इसका स्केच पकड़ा है, हर बड़े ने पकड़ा है, क्योंकि ये दरा खैबर जो 10 रुपए का नोट है ना, अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, उसमें जो पिक्चर बनी होती है ना, वो होती है दर्रा खैबर की, जिसे बाबे खैबर कहते हैं। तो बाबे खैबर की जो ये ईस्टर्न इंट्रेंस है खैबर पास की टूअर्ड वेस्ट ऑफ पेशावर, इसे 1963 में बनाया गया था। ठीक है, अ सिंबल ऑफ ट्राइबल रेजिलियंस स्ट्रेंथ स्टैंड एज द मोस्ट फेमस लैंड पार्क इन खैबर डिस्ट्रिक्ट, इट्स ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस मेक इट अ मस्ट विजिट डेस्टिनेशन फॉर एनीवन इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द रीजन। द गेट ऑल्सो विटनेस influx of millions of Afghan refugees during the Soviet occupation of Afghanistan in 1980s. मैं आगे भी बात कर रहा था कुछ देर पहले कि जब हिजरत हुई थी अफगान वॉर के दौरान, अफगान मुहाजरीन बहुत यहाँ आए थे, तो तब ये गेट भी वहाँ उस वक्त पुश को भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत प्यारी जगह थी, बहुत सो आप सबको पसंद आई हो। 3 weeks later. 2-4 दिन से ही ख़राब थी, लेकिन फिर मैं सवाल चला गया, फिर मैं पेशावर रहूँ। अभी हमने पेशावर का टूर करना है वाइंड अप। ठीक है, अभी हम यहाँ से जाएंगे इस्लामाबाद। ठीक है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। ठीक है, तो वो भी करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद जाके रात गुजारनी है, फिर कल का आखिरी दिन जो संडे का दिन है वो इस्लामाबाद गुजारेंगे, फिर इंशाल्लाह कल घर वापस जाएंगे, तो भी हम पेशावर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। सो जी व्यूअर्स, अभी ट्राई रूम में आया हूँ, बहुत सारे खराब हो गए, शर्ट लेनी है, तो ये ठीक है, यही ले लेते हैं। मेरे पास कोट नहीं है, बस वो फीट है, इस वजह से डायरेक्ट फीट हुआ है। ठीक है, स्कैन करी नहीं है जी, मैं ब्लॉग ख़त्म करा। तो अभी ये हम इस्लामाबाद आ चुके हैं। ठीक है, अब रात को यहीं रहेंगे। ये देखें जी, सामने सेंटूरस है। ठीक है, तो अभी ऑनेस्टली मैं बहुत थके हुए, अब रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और काम भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 7-8 ब्लॉग जो हुए हैं ना, एडिट भी तो करने हैं। ठीक है, A few moments later. तो आप सोच रहे होंगे मैं इस टाइम किधर घूम रहा हूँ, मैं इस टाइम हूँ इस्लामाबाद में। ठीक है, तो अभी हम ज़रा यहाँ रुके थे, तो मैंने कहा थोड़ा चलें बाहर मूव करते हैं, थोड़ी वॉक शूप करते हैं, तो हम आ गए अभी सेंटोरस। ठीक है, तो अभी हम सेंटोरस के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो आपको सेंटोरस और उसका भी चक्कर लगवाते हैं। ठीक है, उससे लास्ट वीक भी आए थे, इसी दिन आए थे आई थिंक, तो अभी एक बार फिर चक्कर लग गया सेंटोरस का, तो फिलहाल सेंटोरस चलते हैं, घूमते भी हैं सेंटोरस में। ठीक है, इधर उधर शॉपिंग वूपिंग की तो फिलहाल कोई औकात है नहीं, इसलिए बस थोड़ा बहुत घूमते ही।
यहाँ पे देखे जी, यहाँ देसी पकवान मौजूद है, ठीक है। आगे आप चलेंगे तो सब इस तरफ देखें, मैकडोनल्ड, ठीक है, हर ब्रांड, हर मर्ज की दुआ यहाँ मौजूद है। ये कौन सी है, मैंगो मनोलो गुलेटो, पता नहीं क्या नाम है। अब हम सेंटोरस का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो अब बस यहाँ के रूम हमारा बिल्कुल सामने ही है, तो ज़्यादा नारायण का काम तो लिया नहीं है, इतना दूर नहीं है, तो बस दो हम फाइनली अब स्टेडियम रोड में, ये सामने आपको स्टेडियम के टावर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमने वहाँ जाना है। चलो यार, मम्मी के दोस्त हैं, कोई ना कोई फ़ायदा तो हो रहा है ना, वी आई पी पार्किंग मिल गई, अब चलो आगे जाके भी गैलरी में बैठेंगे इंशाल्लाह, और तो कोई नहीं टिकट भी ले लेंगे। ये देखिए सर, शबाज श्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सो इंशाल्लाह चलते हैं। तो जी शाकिब उल हसन आप फाइनली बॉलिंग कराने आए, जी मैं आसम भाई को ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं किधर घूम गए, आए तो ऊपर थे पर पता नहीं किधर चले गए, उनको देखता हूँ जाके कि आज रश बहुत काम है। और नस्ल नस्ल का ब्रांड है यार, ऐसे ऐसे ब्रांड है जिनके नाम भी नहीं जिंदगी में सुने हमने, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। चलो खैर, अच्छे मारने दो आवाम को यार, क्या कर सकते हैं लगने ना, इसको तो एक मिनट नहीं निकलने का। डिस्को डांस करानी है और तो कुछ। मेरे तो किस तरह कंस्ट्रिक्ट होना पिया, मी लगना चाहिए बाहर सीट सी। अगर इसे थोड़ी मिन दिन जी व्यूअर्स, हॉटीज का बर्गर आ गया विद टिंकू, ठीक है, ड्रिंक देना यार। बड़ा बंसी जी, पहले उसने अपना फाइनल रिव्यू दियो, कैसा रहा दौरा तुसाना? माशाल्लाह जी जबरदस्त दौरा जनाब, कलाम से शुरू हुआ था, से मालम जब्बा दो मालम अना मालम जब्बा से शुरू हुआ, फिर सवात आए, सवात के बाद पेशावर आए, पेशावर से इस्लामाबाद राज ठहरे, इस्लामाबाद से अभी मीरपुर पहुंच चुके, माशाल्लाह दौरा कामयाब रहा जी, सुकून ही रहे हो ना, जेब ज्यादा तो नहीं खाली हुई, असल दुख था तुसा ना, नहीं नहीं कोई मसला नहीं। आसम भाई कैसा रहा जी सफर, आखिर पड़ता कुछ बोलो जी आज, बहुत अच्छा रहा है भाई जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतना सपोर्ट। ए आसम भाई नार रहे ना, एक चीज ना भूलिया, सारा बस्ता वापस ले जाता है, नहीं तो जितने दूर गया से ना कला वापस है चार। चलो जी, ये रोड भी खा, तब तक अगली बार बन ही जाएगी, तो इंशाल्लाह पूरा
पूरे टूर के ब्लॉग से मुझे दें छुट्टी इंशाल्लाह, तब नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।